Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So welcome back to AK Education Group. So my name is Anjum. Last class में हमने chapter 7 which is human settlement के बारे में पढ़ा था. अभी जो हम करने जा रहे हैं chapter 7 का ही part 2 करने जा रहे हैं which is transport and communication. Okay. तो देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में क्या क्या हम पढ़ेंगे. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंदर हम सबसे पहले ट्रांसपोर्ट को देखेंगे. ट्रांसपोर्ट में हमारा कौन कौन से 4 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट आते हैं, जैसे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज. तो हम 4 पार्ट्स में हम इसे डिटेल में देखेंगे. आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग मोस्टली जो ट्रेवल करते हैं वो किस चीज से करते हैं, बाय रोडवेज लाइक कार, बस, रेल, ट्रेन, किस चीज से करते हैं आप? एयरवेज, एरोप्लेन या शिप से करते हैं? तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप किस चीज से ट्रेवल करते हैं मोस्ट ऑफ लोकल एरिया में. जब आप लोकल एरिया में ट्रेवल करते हैं तो आप किस चीज से करते हैं? जब आप ब्रॉड, जैसे कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं, तो आप किस चीज से ट्रेवल करते हैं और क्यों करते हैं और क्या बेनिफिट्स है उसके, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का. ओके, लेट्स स्टार्ट. ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इट मींस बाय विच पीपल एंड गुड्स मूवमेंट. देन जब हम किसी वस्तुओं को या पीपल की मूवमेंट होती है एक जगह से लेकर दूसरी जगह हम लेकर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. थ्रू द ट्रांसपोर्ट, चाहे वो हम एयरवेज के थ्रू जाएं या फिर हम रोडवेज के थ्रू जाएं या फिर हम शिप्स के थ्रू जाएं, तो हम किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जब हम जिस चीज से लेकर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. अब हम अगर हम पहले के टाइम को देखें और अभी का टाइम कंपेयर करें, तो आज हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं. अगर हम सिटीज एरिया में जाएं तो हमारे पास मेट्रो सिटी है, ठीक है. मेट्रो में हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, बहुत कम टाइम हम ट्रैफिक से बचते हैं मेट्रो से, क्योंकि 2 मिनट्स में मेट्रो आ जाती है ना. अगर हम बस से जाते हैं तो हम हर एक स्टैंड पर रुकते हैं, देन फिर रेड लाइट पर हमें रुकना होता है. लेकिन अगर हम मेट्रो से जाएं तो इसका कंपेयर हम कर सकते हैं कि बस से मोर टाइम लगता है कंपेयर टू मेट्रो. मेट्रो में बहुत आराम से हम एक जगह से दूसरी जगह विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पहुंच जाते हैं. तो यही वजह है. और अगर हम अभी का टाइम को कंपेयर करें पहले के टाइम में, तो पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, जो ट्रेवल करते थे वो मोस्ट ऑफ लोग जो है डिस्टेंस कवर करते थे, वो वॉकिंग करते हुए जाते थे, पैदल जाते थे. देन अगर वो जाते भी थे कुछ यूज करते थे तो वो एनिमल्स का यूज करते थे. जैसे हम यहाँ पर इस पिक्चर को देख रहे हो, जैसे घोड़े को आप देख रहे हो, डॉग को देख रहे हो, तो इस तरीके से वो उस चीज का यूज करते थे एक जगह से चीज को ले जाने के लिए दूसरी जगह. और इसी वजह से हम जो ये व्हीकल्स हैं, ये इसके थ्रू जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट और जो होने लगा है ना. जब हम एक्सपोर्ट या हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ भी वस्तुएं या कुछ भी गुड्स, हम क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह हम शिप का यूज कर लेते हैं उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमें बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाना है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. इन्वेंशन ऑफ व्हील. जब से इन्वेंशन हुआ है ऑफ व्हील मेट ट्रांसपोर्ट, तब से क्या हो गया, ट्रेवल करना आसान हो गया है. विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप बाय इवन टुडे पीपल यूज एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट. हाँ, अगर आज अभी हम टाइम में देखें, अभी के टाइम में देखें, तो हम अगर मोस्ट ऑफ रूरल एरियाज में जाएंगे तो वहां पर भी इतना डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है. हम सिटीज में देखकर तो देख रहे हैं कि यस यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर हमें एयरवेज देखने को मिल रहे हैं, रोडवेज देखने को मिल रहे हैं, फिर हमें मेट्रो सिटी देखने को मिल रही है, बुलेट ट्रेन देखने को मिल रही है, तो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिल रही है. बट अगर हम रूरल एरियाज में जाएं तो वहां पर भी लोग क्या भी यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एनिमल्स का भी यूज करते हैं वो, जैसे डंकी, मॉल्स, बुलडॉग एंड कैमल, ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ट्रांसपोर्ट के लिए. यू कैन एक्सपीरियंस देयर. अगर आप वहां पर रहते हैं तो ये आप एक्सपीरियंस कर चुके होंगे. ओके, देन
इन द एंडीज माउंटेन अमेरिका. एंडीज माउंटेन मैंने लास्ट ईयर दिखाया था, साउथ अमेरिका में है. देन लामा आर यूज आर याक इन तिब्बत. तिब्बत में वो क्या यूज करते थे? याक यूज करते थे, है ना. देन अर्लियर देन द अर्ली ट्रेडर फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ टू रीच इंडिया. पहले के टाइम में अगर हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर आना होता था तो बहुत ज्यादा मंथ लगते थे, बहुत ज्यादा टाइम लगता था, इवन कई कई महीने, पूरा पूरा साल लग जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में. लेकिन इसका हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, जब से सी रूट ओपन हुआ है या फिर लैंड रूट ओपन हुआ है, तब से क्या हुआ है, बहुत ज्यादा आसानी हुई है. तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि किस कैसे आसानी हुई है ना. ये हमारा वर्ल्ड मैप है, इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम सी रूट से हम किस तरीके से आसान हो गया है कि हम एक जगह से जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं वो बाय द थ्रू द शिप, तो उससे हम कितना आसानी हो जाती है. जैसे कि अगर हम सपोज इंडिया से हम कहाँ जाएंगे, ईरान जाएंगे, तो हमें इंडिया से लेकर पहले पाकिस्तान से होके जाना पड़ेगा, फिर अफगानिस्तान, देन हम ईरान जाएंगे. लेकिन हमारी जो कंट्री जो है बीच में पाकिस्तान, इससे हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है. अगर ये हमारा आने जाने का रूट जो है लैंड रूट ये बंद कर दे, तो देन इट इज डिफिकल्ट फॉर अस ट्रेड विद द ईरान, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. दैट्स व्हाई इट्स इजी. और लैंड से हम जब जाते हैं, लैंड रूट से जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत सारा एक तो कॉस्टली पड़ता है ना, बट अगर हम शिप से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो ये हमारा कॉस्टली भी बहुत मिनिमाइज होता है, मिनिमम होता है. हम यहाँ से सी रूट से हम इस साइड से ऐसे जा सकते हैं. सपोज हम ईरान कंट्रीज में जा रहे हैं या फिर हमें तुर्की जाना है, तो हमें तुर्की होते हुए, अगर हम इंडिया से एक्सपोर्ट तुर्की कर रहे हैं, तो हमें अरेबियन सी से होते हुए, गल्फ ऑफ एडन से होते हुए, यहाँ से जाते हुए, और हम यहाँ पर निकल जाएंगे कायरो, और इसराइल से होते हुए यहाँ पर तुर्की में जा सकते हैं. या फिर अगर हमें किसी भी और कंट्री में जाना हो, जैसे कि हमें जाना है, कहाँ जाएंगे हम, जापान जाए, हमें यहाँ से बे ऑफ बंगाल से निकलते हुए, गल्फ ऑफ थाईलैंड से निकलते हुए, शॉर्ट साउथ चाइना, देन फिलीपींस, एंड देन हम यहाँ पर चाइना, ईस्ट ऑफ चाइना से जाते हुए सी ऑफ जापान में हम घुस सकते हैं, यहाँ पर जापान के अंदर जा सकते हैं. तो इट्स विल इजी फॉर अस ट्रैवलिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. देन तो आपने अभी क्या समझा कि जो हम उसके थ्रू हम आराम से ट्रेवल कर सकते हैं. देन एरोप्लेन्स हैव मेड अस ट्रेवल फास्टर. जो एरोप्लेन्स अगर हम देन ट्रेवल करते हैं तो ये हमारे लिए और ज्यादा फास्ट हो जाता है. जैसे कि अगर हमें अभी हम नॉर्दर्न प्लेस में है, दिल्ली से है, और अगर हमें साउथ में जाना है तो हम विद इन 2 आवर्स में हम पहुंच जाते हैं. लेकिन अगर हमें अब्रॉड जाना है, जैसे यूरोप जाना है या फिर हमें अमेरिका जाना है, तो हम विद इन सम आवर्स में हम पहुंच जाते हैं. क्यों ऐसा? क्योंकि एरोप्लेन मोर फास्टर देन, बहुत ज्यादा फास्टर है, बट ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है. नाउ इट टेक ओनली 6 to 8 hours to travel from India to Europe. सिर्फ यूरोप पहुंचने में हमें 6 to 8 hours लगते हैं मॉडर्न मीन्स में. ट्रांसपोर्ट दस सेव टाइम एंड एनर्जी. हमारी टाइम भी बचता है, एनर्जी बचती है. हम इतने कम टाइम में चले जाएंगे तो हमारा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम इस कंट्री में आ गए, और हमें थकान भी नहीं होगी, और हमारा जो टाइम है, जो हम काम हम 10 घंटे में कर सकते हैं, वो हम काम 2 hours में कर सकते हैं, राइट. द 4 मेजर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वी नो रोडवे, रेलवे एंड वाटरवे एंड रेलवे. देन हम यहाँ पर अभी हम एंडीज के बारे में देखेंगे. तो ये हमारा साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज को हम लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं. देन ये जो हमारा वेस्टर्न एरिया है, That is called Andes Mountain. यहाँ पर क्या है, कौन सी माउंटेन है? Andes Mountain. और ये पैसिफिक ओशन के अंदर है, ठीक है. और इसके ईस्टर्न साइड में हमारा अटलांटिक ओशन है ना. कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि वे इज द अटलांटिक ओशन, और कौन कौन सी कॉन्टिनेंट जो है वो उससे टच है, किस कॉन्टिनेंट की राइट में है, ईस्ट में है या वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है. तो हमें ये ध्यान में रखना है, जो एंडीज माउंटेन है साउथ अमेरिका के बिल्कुल वेस्टर्न जोन में है, और अटलांटिक जो ओशन है ये बिल्कुल ईस्टर्न साइड में है, और पैसिफिक ओशन वेस्टर्न साइड. नाउ लॉन्गेस्ट इंडियन नेशनल हाईवे के हम बारे में जानेंगे. देखेंगे कि जो श्रीनगर है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी तक हमारी
सबसे बड़ी लाइन गई है नॉर्थ टू साउथ, हमारा जो है पोरबंदर से लेकर ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट में सीएचआर में गए हैं, जोरबार में और तिलोंग में। इस तरीके से पूरा ईस्ट नॉर्थ टू ईस्टर्न कवर किया हुआ है। एंड इस तरीके से हमारे जो सारे पोरबंदर है वो हाईवेज के थ्रू जो श्रीनगर टू ये यहाँ पर है, ये 44 हाईवेज है, ठीक है, ये नंबर दिए हुए है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा क्वाड्रिलेटर जो है नेशनल हाईवे वो कौन कौन से हैं, जिसमें हमें नॉर्थ से साउथ को टच करती है, ईस्ट से नॉर्थ को टच करती है ना। तो हम इसे देखेंगे, देखेंगे क्वाड्रिलेटरल कनेक्शन दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता। दिस इज अ सेवरल नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे इन इंडिया। लार्जेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज कंस्ट्रक्ट ऑफ एक्सप्रेस वे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, जो हमारा कंट्री है वो चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया और चारों तरफ से कनेक्ट किया हुआ है, नॉर्थ से नॉर्थ से साउथ तक, साउथ से ईस्ट तक, और ये चारों तरफ से एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन नेशनल हाईवे, और भी हमारे बहुत सारे हाईवे हैं जिसे हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये हाईवेज हैं, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पर ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर हमारी कंट्रीज में माउंटेन देखने को मिलेगा, हिली एरियाज, रिवर, लेक्स, वैली, प्लेन्स और ट्राइल जो एरियाज है, हम एरियाज को ट्रेंड बोलते हैं। देन हम रेलवे के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। द रेलवे कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। तो हम जो रेलवे से हम डिस्टेंस कवर करते हैं वो क्या होता है, रेलवे पहले एक तो बहुत चीप मतलब बहुत सस्ता में पड़ता है। देन हम जो जो हम रोडवे से कैरी, अगर रोडवे के कंपैरिजन में हम रेलवे को करते हैं तो हम रेलवे से जो 10 आवर्स हमें ट्रेवल बस से करने में लग जाएगा तो हमें वहां पर 2 आवर्स रेलवे के थ्रू लगेगा, तो हमारा टाइम सेविंग भी है। और जो हैवी गुड्स एंड सर्विस है जो हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं तो वो भी हमें बहुत आराम से हम लेके जा सकते हैं। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड इंडस्ट्री रिवोल्यूशन हेल्प इन स्पीडली डेवलपमेंट ऑफ रेलवे ट्रेवल। डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी इंजन हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन। तो यहाँ पर हम इसके अंदर न्यू टेक्निक्स के थ्रू हम ये चेंजेस भी देखते हैं कि डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी हैव लार्जली ये रिप्लेस किया गया है स्टीम इंजन के थ्रू। इन प्लेस सुपर फास्ट ट्रेन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक अ जर्नी फास्टर। तो ये सुपर फास्ट बनाने के लिए ट्रेन को और काफी जो जर्नी है वो पहले के कंपैरिजन में और ज्यादा फास्ट हो सके और ज्यादा कम टाइम में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। देन द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज। तो ये रेलवे जो का नेटवर्क है स्टेट से दूसरे स्टेट पर जब हम जाते हैं तो बहुत ज्यादा वास्टली डेवलप किया गया है ताकि, और बहुत ज्यादा सुटेबल बनाया गया है ताकि आराम से जा सके, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया गया है। देन एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल हैव इनेबल लेइंग ऑफ रेलवे लाइन इन डिफिकल्ट माउंटेन ट्रेन आल्सो। तो जो माउंटेन एरिया है, हिली एरियाज है, ताकि वहां से भी जो ट्रेन है वो आराम से चली जा सके, जो डिफिकल्ट एरिया है तो वहां पर भी एक सुटेबल एनवायरमेंट बनाया थ्रू द टेक्नोलॉजी स्किल के थ्रू, है ना, वहां पर भी रेलवे लाइनों को बिछाएगा। बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर, बट ऐसी जगह जो है बहुत कम नंबर में देखने को मिलता है, लेकिन होप कि आगे आने वाली जो टाइम है उसमें और ज्यादा ये नेटवर्क बढ़ सके, ठीक है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड, इट इज द लार्जेस्ट इन एशिया। तो एशिया के अंदर जो रेलवे नेटवर्क है बहुत ज्यादा है, हम देख सकते हैं इस मैप के थ्रू कि हमारा जो पूरा कंट्री है वो रेलवे से पूरा, हर जगह कोई भी ऐसा कोना नहीं है कि रेलवे से छुटा हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, ये हमारा रशिया है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो ये एशिया है, एशिया के अंदर जो रशिया है सबसे ज्यादा लंबा नेटवर्क जो है रेलवे का रूट जो है वो सबसे ज्यादा कवर करता है, मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक तक, पैसिफिक कोस्ट तक ये जा रहा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमें देखने को मिलेगा, ठीक। देन हम वाटर वेज के बारे में बात करेंगे। वाटर वेज यू हैव ऑलरेडी लर्न, जैसे कि मैंने आपको भी बताया जस्ट नाउ, सिंस अर्ली डेज वाटर वेज वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर वेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स कर सकते हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज कौन कौन से होते हैं, जो हम एक सी के थ्रू जाते हैं, है ना, रिवर के थ्रू जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नेविगेशन रिवर एंड लेक्स,
है ना, दैट इज आर यूज्ड इन लैंड वाटरवेज। बट अगर हम सी वे के बारे में बात करें, सम ऑफ हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इन लैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका एंड रिवर नाइल इन अफ्रीका। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर है वो सबसे ज्यादा नेविगेबल एरिया है। देन उसके बाद हम देखेंगे ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका एंड नाइल रिवर जो है अफ्रीका में। सी रूट एंड ओशनिक रूट आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मैकेनाइज्ड क्या होता है कि जो हम एक दूसरे से व्यापार करते हैं, वाणिज्य चीजें करते हैं ना, व्यापार करते हैं, दैट इज कॉल्ड मर्केंटाइज। एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, दीस रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट। सम ऑफ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया, ओके, न्यूयॉर्क, लॉस एंजेला इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डर्बन एंड कैप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडम यूरोप। तो ये कंट्री जो है ये सी रूट्स के थ्रू हम देखते हैं कनेक्टेड है। देन हम यहाँ पर देखेंगे वाटरवेज, ये वाटरवेज के बारे में हमने देखा है थ्रू द शिप। देन एयरवेज, एयरवेज के बारे में, दिस इज फास्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी। हमने इसके बारे में बाद में डिस्कस किया है। इट इज ऑल द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स, जिसके फ्यूल्स है वो बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट है ना। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय वेदर लाइक अ फॉग एंड स्टॉर्म। जब हम बादल या फिर फॉग ज्यादा देखते हैं, दैट इज इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रेवलिंग या फ्लाइंग द एयरवे, ओके। Then it is only mode of transport to reach the most remote and distant area, especially where there are no road and railways. That is, जब आप लोग देखा होगा, जब आप यहाँ पर कोई भी डिजास्टर आता है, जैसे कि अभी केरला में फ्लड्स आया था या बिहार में फ्लड्स आया था, तो लोगों को वहाँ पर लोगों के घर डूब गए थे, देन लोग बहुत ज्यादा पानी में डूब गए थे, देन इवैक्यूएशन जो बचाव कर्मचारी हैं वो थ्रू द एयरपोर्ट एयरवे से लोगों के लिए फूड लेकर आ रहे थे, उनके लिए क्लॉथ लेकर आ रहे थे, उन्हें लेकर जा रहे थे, हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे थे, इवैक्यूएट कर रहे थे, मतलब बचा रहे थे। That, जब ऐसी जगह हम जहाँ पर रोडवेज ना हो, रेलवेज ना हो, किसी के थ्रू हम पहुंच ही ना सकते हो, तो हम उस जगह पर एयर के थ्रू पहुंच सकते हैं ना। जैसे हेलीकॉप्टर आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इन एसेसिबल एरियाज, ओके, एंड इन टाइम ऑफ द क्लैमिटीज आर रेस्क्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, वाटर, क्लॉथ एंड मेडिसिन। Some of important airport are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris and Frankfurt and Cairo. Okay, तो ये हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो कंट्री है वो हर जगह एयरवेज से के नेटवर्क से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा सी रूट है। अगर हम सी रूट से जाना चाहें तो हम ऐसे ऐसे करके कहीं पे भी किसी भी कंट्री में पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमें इंडिया से लेकर हमें अमेरिका जाना, तो हमें शॉर्टकट ऐसे मार के यहाँ पर इस तरीके से जा सकते हैं ना। देन हम अब यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। अच्छा ये बताइए आप लोग कि कम्युनिकेशन जो है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, और आप आज के टाइम में किन चीजों का यूज करते हो अपने फ्रेंड से बात करने के लिए, या फिर किस चीज का यूज करते हो सबसे ज्यादा? जैसे आप लैपटॉप यूज करते हो या फोन, मोबाइल फोन यूज करते हो या टीवी यूज करते हो, तो आप सबसे ज्यादा किस चीज का यूज करते हो? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमंस एंड एडवाइस न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये हमारा जो हम फास्ट मूवमेंट करते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं। आज के टाइम में क्या हो गया, पहले के टाइम में क्या होता था कि जो लोग एक दूसरे से मिलते थे तो हम एक दूसरे के घर जाते थे, उनसे मिलना होता था। बट आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में हम व्हाट्सअप कर रहे होते हैं, आज के टाइम में हम उनसे कॉल पे बात कर रहे होते हैं, है ना। आज के टाइम में हम वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, देख सामने से लाइव भी देख लेते हैं, तो हमें उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। थ्रू द हम कम्युनिकेशन टेक्निक हम उनसे बात कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उनसे बातें करते हैं, राइट। दे एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन
हैज ब्रॉट अबाउट इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रेडियो, टीवी, लैपटॉप, इंटरनेट, इन सब का यूज करते हुए हमें एक पूरे वर्ल्ड की खबर जो है हमें एक सेकंड में हमें आ जाती है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड बिना यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एजुकेट एज वेल एज इंटरटेन। और हम इंटरटेन भी करते हैं, हम हॉलीवुड की मूवी यहाँ बैठ कर देख लेते हैं थ्रू द सर्चिंग ऑफ द यूट्यूब ऑन द या अदर एप्स के थ्रू, द थ्रू द न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेट विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो हमें जब कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है तो हम न्यूज़पेपर के थ्रू या रेडियो टेलीविजन के थ्रू हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल न्यूज हम सुनते हैं या फिर हमें किसी इम्पोर्टेंट न्यूज सुननी होती है तो वो हम न्यूज़पेपर या टेलीविजन के थ्रू सुन लेते हैं। दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया, हम इसे क्या बोलते हैं, मास मीडिया। और ये हम किसके थ्रू कर लेते हैं, द सैटेलाइट है कम्युनिकेशन इवन फास्टर। जो हमारी ये सैटेलाइट है ये हमें बहुत ज्यादा फास्टर कम्युनिकेशन को फास्ट बना रही है, ठीक है। सैटेलाइट एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट्स हैव हेल्प इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल्स वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड डिस्टेंसिंग वार्निंग। तो हम ये सब हमें कहाँ से मिलती है, ये सैटेलाइट्स के थ्रू मिलती है। कई बार हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा वेदर फिनोमेना है तो हमें एक दिन पहले ही पता चल जाता है कि आज कल को रेन होगी या नहीं होगा, कल का वेदर किस तरीके से होगा, सनी डे होगा या फिर फोगी एरिया होगा या रेनी वेदर होगा, तो हमें पता चल जाता है। और हमें ये भी पता चल जाता है कि कितना टेम्परेचर रहेगा, तो थ्रू द हमें सैटेलाइट ये सारी टेक्नोलॉजी का हम यूज कर पाते हैं। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिकल मेल्स और ईमेल्स थ्रू द इंटरनेट। एज यू नो आजकल सभी इंटरनेट का यूज करते हैं हम किसी से, जैसे कि हमें रिज्यूमे भेजना होता है या फिर इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना जो रिज्यूमे है उसकी हार्ड कॉपी ना देकर हम क्या करते हैं, थ्रू द मेल अपना रिज्यूमे सेंड कर देते हैं, है ना। तो इससे हमारा जो पेपर है वो भी वेस्ट होने से बच जाता है। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू द सेल्यूलर फोन हैव बिकम वेरी इजी, वेरी पॉपुलर इन टुडे। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस फॉर वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट ऑल्सो मेड आवर लाइफ मोर कम्फर्टेबल। जो इंटरनेट है ना ही मतलब ये इतना ही आता कि सीमित नहीं है कि हमें इंफॉर्मेशन दे और इंटरेक्शन हम कर सके, बट ये जो इंटरनेट है हमारी लाइफ को भी बहुत ज्यादा इजी बना दे। कैसे, जैसे खाना बनाना सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी बनाना हो तो वो यूट्यूब से सर्च करते हैं और खाना बना लेते हैं कि, तो ये इजी हो गया है ना। जैसे कोई चीज नहीं आती है, किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो क्या करता है, यूट्यूब पर सर्च करता है और वो वहां से इंग्लिश की वोकैब वगैरह सीख लेते हैं या फिर स्पीकिंग सीख लेते हैं वहां से। तो ये हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इजी बना गया। आप लोग भी क्या कर रहे हैं, आप लोग भी थ्रू द आपकी जो कम्युनिकेशन है, मेरी और आपकी कम्युनिकेशन थ्रू द यूट्यूब हो रही है, ठीक है। तो लोग आजकल हमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। हमारी जो लाइफ है पहले के कंपेयर में बहुत आसान हो गई है। पहले के टाइम में क्या होता था, जब भी बच्चे पढ़ते थे तो अपना बुक सर्च करते थे, ये सर्च करते थे, टीचर्स को सर्च करते थे, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है, है ना। आज के टाइम में आप यूट्यूब पर सर्च करो या एजुकेशन का, तो आप इंटरनेट के थ्रू कुछ भी सर्च कर सकते हैं एक्स वाई जेड। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स, तो हम टिकट्स वगैरह भी बुक कर सकते हैं घर बैठे बैठे, है ना, एयरवेज की या रोडवेज की। इवन यहाँ पर इनफैक्ट यहाँ पर हम बस की भी जो टिकट है वो हम घर बैठे ही बुक कर सकते हैं, है ना, सिनेमा हॉल्स की, होटल्स की, है ना, तो ये हम घर बैठे ही बुक कर सकते हैं। तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा, पहले क्या होता था कि हम लाइनों में खड़े होते थे, बट अब हमें लाइनों में खड़ा होने का झंझट ही खत्म कर दिया। तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत कंफर्टेबल हो गई है, बहुत आसान कर दिए नेट ने, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट आपके साथ साथ उन बच्चों का भी बेनिफिट हो सके जो फ्री और क्वालिटेटिव एजुकेशन करना चाहते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा करें, और नॉलेज जो है वो स्प्रेड करने से ही बढ़ती है। आप ये सोचेंगे कि नहीं है अपने तक सीमित रखनी है, दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें सो दैट इसका मैक्सिमम लोग बेनिफिट उठा सके। और आप लोग जरूर कमेंट्स बॉक्स में करें कि आपको वीडियो कैसा लगा
और साथ ही साथ जो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ आप उसका भी वो करें, सो दैट मेरा और आपका इंटरेक्शन बना रहेगा, आपको और मेरा इंटरेक्शन बना रहेगा, मैं मोटिवेट रहूंगी और मैं मोटिवेट रहूंगी तो आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।